नमस्ते भाई लोग, एंड्रॉइड वेडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक और डिवाइस लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे मोटोरोला के मोटो G42 का। चलिए आज इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या कुछ चीजें हैं और फोन हमारा कैसा देखने को मिल जाता है। तो फोन का प्राइस है 13,999 रुपीज, लेकिन यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे फर्स्ट सेल पे SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1,000 रुपीज का डिस्काउंट था, तो मुझे इस फोन का प्राइस पे करना पड़ा 12,999 रुपीज। तो चलिए फटाफट इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट का पैकेज है, अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा है। चलिए आप लोगों के सामने ही देख लेते हैं बॉक्स से क्या कुछ चीज निकलता है। बॉक्स के अंदर फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे बिल है, और बिल पे भी आप लोग अमाउंट चेक कर सकते हैं, 13,028 रुपीज। कुछ रुपीज यहाँ पे पैकेजिंग चार्जेस के लिए देना पड़ा था, जो अभी फ्लिपकार्ट लेता है सभी से। और बॉक्स को ओपन करते ही फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली फर्स्ट नहीं सेकंड में आ जाता है हमारा मोटो G42 का बॉक्स पैकेजिंग। फ्रंट में मोटो लोगो, नीचे G42 लिखा गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे सील भी दिया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, सिक्योर्ड सील है, साथ में मोटो के सील है। पीछे में देखेंगे तो यहाँ पे फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, 16.26 सेंटीमीटर OLED फुल HD प्लस डिस्प्ले है यहाँ पे, साथ ही में डॉल्बी एटमोस स्टीरियो स्पीकर्स है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है। साथ ही में इस फोन के अंदर आप लोगों को एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, 4GB 64GB, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा 5000 mAh का बैटरी। तो चलिए फटाफट सील को ब्रेक करते हैं और देखते हैं हमारे बॉक्स के अंदर में क्या कुछ चीजें मिल जाता है। तो फर्स्ट में ही बॉक्स पे यहाँ पे मोटोरोला का G42 है, यहाँ पे कवर लगा के दिया गया है, और फोन काफी हैंडी साइज का है, हाथ में काफी कंफर्टेबली फिट हो जाता है इवन कवर लगाने के बाद भी। यहाँ पर जो डिस्प्ले है कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 6.47 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले है, जो कि काफी एक कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले है। चलिए फोन को बूट करके साइड में छोड़ते हैं, उससे पहले यहाँ पे हम इस प्रोटेक्टर को निकालते हैं। उसके बाद आगे में जाएंगे, यहाँ पे एक एनवेलप मिलता है, एनवेलप के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर टूल। इसके बाद यहाँ पे एक पावर अडेप्टर मिलता है जो कि 20 वाट का है, और 20 यहाँ पे एम्ब्रेस करके लिखा गया है, जैसे कि देख सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल देखने में लगता है। उसके बाद यहाँ पे और मिलता है आप लोगों को एक USB A to USB C केबल, नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वालिटी का USB A to USB C केबल यहाँ पे दिया गया है। तो यही थे बॉक्स कंटेंट। चलिए इन सब चीज़ों को साइड में हटा के हमारे मेन फोन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोन को चलिए फटाफट सेटअप करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं फोन कैसा है। फोन के लुक के बारे में बात करें तो फोन काफी अट्रैक्टिव लुकिंग है। बैक देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास जैसा डिजाइन है, मैट फिनिश में है, लेकिन यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन लुक काफी अच्छा निकल के आ रहा है। कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, डार्क ग्रीन कलर में यहाँ पे मैंने परचेज किया है। इसका एक और ब्रोंज कलर का यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, साथ में ट्रिपल रियर कैमरा आप लोग देख सकते हैं, मोटो का लोगो भी है, और नीचे यहाँ पे मोटोरोला लिखा गया है। फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे बॉटम साइड में आप लोगों को मिलेगा प्राइमरी स्पीकर, प्राइमरी माइक टाइप सी का पोर्ट। टॉप साइड में देखेंगे यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है। राइट साइड में देखेंगे पावर बटन, जो कि एक फिंगरप्रिंट सेंसर के द्वारा भी काम करता है, साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा सिम ट्रे, और इस सिम ट्रे के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है एक ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट, जिसके अंदर में 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। फ्रंट की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है 6.47 इंच का एक डिस्प्ले, साथ में आप लोगों को यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। टॉप के बेजल्स अगर आप लोग देखेंगे तो टॉप के बेजल्स थोड़े छोटे हैं, लेकिन नीचे के बेजल्स, नीचे का जो चिन्ह है थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी फोन यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट है, मुझे पता नहीं आप लोगों को यहाँ पे कितना पता चल रहा है, लेकिन फोन हाथ में पकड़ के काफी अच्छा फील हो रहा है। ओवरऑल काफी एक कॉम्पैक्ट और हैंडी फोन यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो फोन हमारा यहाँ पे बूट हो चुका है, और फर्स्ट बूट के बाद आप लोग देख सकते हैं UI कुछ इस तरह का है। सिर्फ यहाँ पे फेसबुक ही मुझे दिख रहा है और बाकी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ पे मोटो जेस्चर्स है, मोटो के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी ब्लोटर्स नहीं है, यहाँ पे एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को यहाँ पे एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे OLED डिस्प्ले होने के बाद भी यहाँ पे आप लोगों को 60Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, हायर रिफ्रेश रेट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। हायर रिफ्रेश रेट एटलीस्ट 90Hz देते तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता था। ओवरऑल UI काफ़ी स्नैपी है, फास्ट और फ्लूइड है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
ऐप स्विचिंग भी काफ़ी फास्ट हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 680 का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का। तो नॉर्मल बेसिक टास्क तो आप लोग इजीली कर पाएंगे, डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी लैग या हैंगिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग मीडियम गेम्स भी यहाँ पे प्ले कर पाएंगे, बड़े टाइटल्स जैसे पबजी या फिर एपेक्स लेजेंड भी आप लोग खेल सकते हैं, लेकिन वो भी एकदम लो सेटिंग में और परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप खेलना चाहते हैं तो वो भी खेल सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे पीछे में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है, और ये जो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है यहाँ पे मेन सेंसर आप लोगों को देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का, उसके बाद आप लोगों को एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट में तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आप लोगों को, फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो फोन को बूट करते वक्त फिंगरप्रिंट सेंसर को मैंने सेटअप कर लिया था, तो चलिए इसका स्पीड भी यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर इंस्टेंटली डिटेक्ट कर रहा है, इंस्टेंटली डिटेक्ट कर ले रहा है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो अनलॉक करने में थोड़ा कुछ मिलीसेकंड का यहाँ पे डिले है। फेस अनलॉक को भी चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक भी मैंने सेटअप कर लिया है, चलिए फेस अनलॉक का स्पीड भी हम लोग देख लेते हैं। तो फेस अनलॉक भी काम कर लेता है, लेकिन एकदम फास्ट नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिले आप लोग नोटिस कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल यूआई में ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, ओवरऑल क्लीन यूआई है, स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। चलिए डिस्प्ले यहाँ पे दिखा देते हैं, डिस्प्ले यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले मिलता है, तो आप लोगों को एक वीडियो प्ले करके दिखाते हैं वीडियो क्वालिटी कैसा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है, ब्लैक्स एकदम डीपर ब्लैक्स है क्योंकि यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा एमोलेड पैनल यूज़ किया गया है। साथ ही में यहाँ से देख सकता हूँ मैं कि व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छे देख सकते हैं, एक्सट्रीम एंगल से भी यहाँ पे कलर शिफ्टिंग इशू या व्यूइंग एंगल में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक डिस्प्ले पैनल यहाँ पे यूज़ किया गया है मोटोरोला की तरफ से, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे डॉल्बी एटमोस का आप लोगों को ऑडियो सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ऑडियो टेस्ट भी हम लोग एक करके देख लेते हैं ऑडियो क्वालिटी कैसा मिलेगा। ऑडियो क्रिस्प और क्लियर है, लेकिन यहाँ पे लाउडनेस थोड़ा सा यहाँ पे वीक लगा मुझे, थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर थोड़ा और ज़्यादा लाउड होता तो यहाँ पे और बेटर परफॉर्मेंस कर सकता था। ओवरऑल साउंड क्लैरिटी और साउंड में रिचनेस काफ़ी अच्छा है। वीडियो ख़त्म करने से पहले चलिए एक दो फोटो कैप्चर करके आप लोगों को दिखा देते हैं कैमरा सैम्पल्स आप लोगों को कैसे देखने को मिलेंगे। तो इमेज क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी डिटेल के साथ फोटो आता है, फोटो में काफ़ी डिटेल्स है, हालांकि लो लाइट में इंडोर लाइटिंग कंडीशन में फोटो कैप्चर किया गया है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कितना डिटेल के साथ फोटो आ रहा है। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी फर्स्ट इनिशियल इंप्रेशन में मैं अच्छा कहना चाहूँगा। अभी इसको और ज़्यादा टेस्ट करेंगे और इसका एक्चुअल कैमरा क्वालिटी कैसा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसका भी वीडियो आ जाएगा, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा Moto G42 का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और फर्स्ट हैंड्स ऑन इम्प्रेशन। फर्स्ट इनिशियल इम्प्रेशन के बारे में बात करें तो ओवरऑल एवरेज सा ही फ़ोन लगा मुझे, कोई भी चीज़ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे ही आप लोगों को मिलते हैं, लेकिन एकदम आउटस्टैंडिंग वाला फीचर यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो आप लोग अगर एकदम सेफ जाना चाहते हैं, आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग इस फ़ोन के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत के हिसाब से वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप लोगों को एक फ़ोन के अंदर चाहिए होता है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ अगर और हो जाता, इसका एक और वेरिएंट मिल जाता 6GB 128GB, तो और अच्छा हो सकता था यहाँ पे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, साथ ही में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों ऐसे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।